हाथ ऊपर करो, कौन हो तुम? हाथ ऊपर करूंगी तो दूध गिर जाएगा। नैन, उड़ा दे सबका चैन। अभी तो तुमने हमारी नींद उड़ा दी, ये कोई तरीका है? बड़ी हो गई हो अभी तक डराती फिरती हो सबको। अरे बाबा, वक्त ही नहीं मिला और भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा दूध पी लो। चलो बात करते हैं। चलो। आ गई आफत की परकाला। अरे अम्मी, आप एक मिनट, आप कैसे आई? हमने तो आपका रूम बाहर से बंद किया था। अरे देख तो ली थी, हम अंदर है कि नहीं? आप रूम में नहीं थे? हम तो स्टोर रूम में थे, कुछ सामान निकालने गए थे। कैसी पुलिस वाली है हाँ? क्या होगा देश का। और बाय द वे, मैंने अम्मी को बता दिया था कि हम आ रहे हैं। एक सेकंड, हमें क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया? इसी ने मना किया था, कह रही थी कि हसीन को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो दिन रात इतना हार्ड वर्क करती रहती है, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते, हम तो सोने चले। ये बैग नैन, हसीन, ये वही जादू का पिटारा है जिसके लिए मैं तुम लोगों को बिना बताया निकल गई थी। इनमें उन नाम और नंबर की लिस्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेरी के फेक करेंसी रैकेट से जुड़े हुए हैं। अब मैं चेरी के बहुत करीब हूँ हसीन, बस मुझे एक मौका मिल जाए, बहुत जल्द चेरी कानून के गिरफ्त में होगा। नैन एक बात बताओ, इस बैग के अलावा तुम्हारे पास और भी एविडेंस है, और भी इंफॉर्मेशन है चेरी के खिलाफ? जितना पुलिस किसी क्रिमिनल का रिसर्च करती है ना, उससे कई ज्यादा एक राइवल गैंग का आदमी उसके दुश्मन के गैंग का रिसर्च करता है, और उनकी इसी रंजिश का फायदा हम पुलिस वाले उठाते हैं। मैं भी वही फायदा उठाऊंगी। मेरा पहला मकसद है लखनऊ अंडरवर्ल्ड में अपनी नई पहचान बनाने का। मेरे पास एक प्लान है, अगर वो कामयाब हो गया ना तो कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। जीते मैडम। जैन मैडम। जैन, क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही मैडम सर केबिन का थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे। वो तो हमें दिख रहा है, पर मैडम सर ने कहा ऐसे करने के लिए? नहीं मैडम सर तो नहीं बोली, लेकिन हम वही सोचे कि जिसका किरदार इतना चमकदार हो, उसका सारा सामान केबिन वगैरह सब कुछ ऐसे चमकदार ही होना चाहिए, तो हमको अच्छा लगता है। मैडम तो खुद से ही कर रहे थे। क्या बात है, आज नाश्ते में संवाद लेखक भी खा के आए हो क्या तुम? मजा कहा है मैडम सर, अभी तक आए नहीं क्या? मैडम सर तो नहीं आई है। क्या बात कर रहे हो, मैडम सर ड्यूटी पे लेट नहीं होती, आज कैसे लेट हो गई? वो बिलोटा का फोन आया था, वो बता रहा था कि नैना मैडम ना मैडम सर को किसी जरूरी काम से अपने घर पर बुलाई हैं। अच्छा, नैना मैडम वापस आ गई हैं क्या? अब बुलाई हैं तो आ ही गई होंगी, फिर उनका लेट होना बनता है। और पुष्पा जी, पुष्पा जी आई? पुष्पा जी भी नहीं आई अभी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ, यहाँ है, हम यहाँ है। नहीं नहीं, आप नहीं, कहाँ है? हमारे शिव जी कहाँ है? हमें उनसे मिलना है, उनसे बात करनी बहुत जरूरी। हट जाइए, कहाँ है? अरे कभी कभी। अरे बाप रे, बहुत बिजोड़ गतिशील सास है आपकी। हे शिव जी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, जगत विधाता है, सब जानते हैं, बस इस परीक्षा की घड़ी से निकलने के लिए हमें शक्ति दीजिए। क्या वो पुष्पा जी, आप इतना छटपटा कह रही हैं? आप डीएसपी सर के ऑफिस गई थी ना रिपोर्ट बनाने, क्या हुआ वहाँ पे? गए थे हम रिपोर्ट सबमिट करके थाने का बोझ हल्का करने के लिए, मगर साथ में लेकर आए थाने के लिए और भी बोझ। कहे का हो गया, आप क्या कर दी आप? हमने कुछ नहीं किया है, डीएसपी सर ने मैडम सर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बैंक की एक वैन, वो भी कैश से भरी हुई शिवजी, पासी के गांव में मांडना के सहकारी बैंक में पहुंचानी है, और वो गाड़ी चलाने के लिए मैडम सर ने हमें कहा है साथ चलने के लिए। अब क्या करें, अब उसमें 1 करोड़ तो होगा ही ना शिवजी, इसलिए हम वो कांप रहे, हमें बहुत डर लग रहा है। 10-15 करोड़ से कम नहीं होता है गाड़ी में पुष्पा जी, इसीलिए उसको सुरक्षा का जरूरत पड़ता है। 10 करोड़? एक मिनट, नहीं मतलब मैडम सर को ये काम काहे दिया है? गृह मंत्रालय के नियमवाली के अनुसार इस तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, तो हमको काहे मिला है?
नहीं नहीं वो सब तो रहेंगे मगर वैन के अंदर रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड सब रहेंगे, मगर हमें जिम्मेदारी दी है हम गाड़ी के पीछे रहेंगे और जब तक वैन अपनी जगह पे सही सलामत पहुंच नहीं जाती हम गाड़ी के पीछे रहेंगे। क्या नाम बताया आपने वैन का? अभी बताया कहाँ है? हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं ना, क्या बताया? तो पूछेंगे तो बताएंगे ना। तो पूछ तो रहे हैं पुष्पा जी। हाँ तो बता रहे हैं ना। बताइए। सशक्त महिला सहकारी बैंक। अच्छा महिला सहकारी बैंक, इसीलिए जिम्मेदारी महिला पुलिस कर्मियों को दिया है। अच्छा मगर ठीक है अभी हम निकलते हैं। शिव जी अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए आपके नंदी को हमारे साथ भेज दीजिए हमारी सुरक्षा के लिए। हम निकलते हैं, मैडम सर ने सीधा हमें बैंक में ही बुलाया, वहां से हम साथ में चले जाएंगे। तो जीते हमारे लिए प्रार्थना करना कि कहीं तुमको हमारे श्राद्ध का प्रसाद न खाना पड़े। जी वो देखिए एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी रोकिए। नहीं नहीं मैडम सर ऐसे कैसे रोक दे, नियमों के खिलाफ ही है। पुष्पा जी उसे मदद की जरूरत होगी, वो चिल्ला रही औरत, प्लीज गाड़ी रोकिए आप। मैडम सर पहुंचने के बाद मदद भेज देंगे ना हम। पुष्पा जी गाड़ी रोकिए, दैट्स एन ऑर्डर प्लीज। मैडम सर हेलो, हम S.H.O हसीना मलिक बोल रहे हैं, आपको प्लीज अपनी वैन रोकनी होगी क्योंकि हम रुक रहे हैं मदद के लिए। आई रिपीट आपको वैन रोकनी होगी। मैडम हमारी मदद कीजिए। आप साइड में आइए, आप साइड में आइए, आप ठीक है? हाँ, मेरा बच्चा अंदर फंसा हुआ है मैडम, प्लीज उसे निकालिए। मैडम जल्दी कीजिए, बढ़ जाएगा। आप दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए। मैडम जल्दी कीजिए। नहीं मैडम, एक तो थाने में काम का इतना ज्यादा प्रेशर, ऊपर से साफ सफाई का भी टेंशन, तो ये चुलबुली है, हम सोचे कि इसको बुला लेंगे तो यहाँ पर हमारा मदद भी हो जाएगा, तो वही साफ सफाई कर रही है। हाँ ठीक है, लेकिन ये आवाज कैसा था? पता नहीं मैडम, ये तो हमको भी नहीं पता, आइए ना देखते हैं। आइए क्या हुआ मेरे थाने में? मेरे थाने में लिखवा लिए क्या तुम? इग्नोर। ये क्या 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 चुलबुली, तुम्हारा नाम चुलबुली, काम चुलबुली, ये क्या मैडम सर के सर्टिफिकेट का फ्रेम तोड़ डाला? ये क्या कर दी चुलबुली तुम? तुमको पता भी है क्या तोड़ दी तुम? अरे मैडम सर को डिपार्टमेंट दिया था, उनके ईमानदारी, उनके समर्पण, उनके योगदान के लिए इसको गिरा कर तुम तोड़ दी। गलती हो गया सारी भैया जी। अरे क्या करेंगे तुम्हारे सॉरी काम चुलबुली, गिर तो गया ही, टूट तो गया ही। मैडम आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है जीते, वो कुछ गंदा वाइब आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैडम सर किसी संकट में है। What a connection, मतलब यहाँ की औरतों का एक दूसरे के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मतलब एक कोई तकलीफ में होता है तो दूसरे की घंटी बज जाती है, मतलब जैसे कि नैना मातुर तकलीफ में थी तो मैडम सर की घंटी बजी, अब मैडम सर तकलीफ में है तो आपकी घंटी बजी, ये कनेक्शन एकदम स्ट्रांग है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त बहुत
मारिया, चल चल काम हो गया, जल्दी आ जा। कहाँ हैं आप मैडम सर? हाँ, कुछ पता चला? पुष्पा जी का फोन नहीं लग रहा और मैडम सर का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। मैडम, भगवान, क्या हो गया? क्यों फोन स्विच ऑफ है? कहाँ चले गए? हम यहाँ पे भी सब कुछ चेक कर रहे कि कुछ हमको पता चले। हमारा ना जान सूख रहा है अभी टेंशन से, पता है। तुम एक काम करो, तुम साइबर डिपार्टमेंट में फोन करो, पुष्पा जी मैडम सर जिसका फोन ट्रेस हो सकता है ना, फटाफट लोकेशन का पता करो, चीते हमको बहुत टेंशन हो रहा है, समझ रहे हमारी बात को? जल्दी करो। घपलेबाज, धोखेबाज, आप बताता हूँ तुझे, चीटर आदमी। अब तू चीटर। एक सेकंड रुको मैडम, हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, इसने धंधे में चीटिंग किया हमारे साथ। अबे चपड़ गंजू, रिपोर्ट तू क्या लिखवाएगा? रिपोर्ट तो मैं लिखवाऊंगा तेरे खिलाफ, तू चीटर समझे कि नहीं? हां मैडम, हम धंधे में बिजनेस पार्टनर है, मुनाफा आधा बांटने की बात तय हुई थी। जब मुनाफा बांटने की बात आई तो नक्शे पड़ा रहा। फालतू बात मत करो, कैश के पैसे तो हमारे। मैडम ये चीटर है। देखिए ये चीटर मैडम, बाहर मरते बाहर जाओ। तो वैसे हमारे दिमाग का चूरन हुआ हुआ है, ऊपर से ये दो चूरन। तुमने पता किया उसके बारे में? हाँ पता किया तुमने? पता किए मैडम, पता किए। वहाँ पर एक अपना आदमी, उसने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी पुष्पा जी का और मैडम सर का लोकेशन ट्रेस करके बता देगा। डीएसपी सर, जय हिंद सर। जी सर, हम आते हैं अभी। ठीक है सर। चीते साइबर सेल से जो भी अपडेट होगा हमको जल्दी बताना, ठीक है? हम जा रहे हैं डीएसपी सर के ऑफिस। हो गई तसल्ली? मजा आ रहा है यहां पर लेट कर? हाँ, क्या जरूरत थी तुमको ये सब करने की हसीन? तुम्हें ये समझना चाहिए कि कौन तुम्हारे हमदर्दी का फायदा उठा रहा है और कौन तुम्हारी हमदर्दी के लायक है। इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन इमोशन में बह जाना बहुत गलत है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये नकली एक्सीडेंट के चक्कर में पड़ने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स, कुछ हुआ तो नहीं ना हमें, हम ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं भी यहीं पे बेड लगवा लेती हूँ, यहीं पे रहेंगे। वैसे यहाँ का खाना बहुत खराब होगा ना, चल बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं, चटपटा सा, है ना? कोल्ड ड्रिंक भी मंगाएंगे। हसीन बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं हम ठीक है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो खबर हम लाए हैं वो सुन के इससे भी बड़ा दर्द होगा। क्या? हम डीएसपी सर के ऑफिस से आ रहे हैं, उन्होंने कैश वैन डकैती का पूरा केस को देखा है। उसको देखने के बाद पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जिस लड़की ने डकैती की थी उसने आपको गोली काहे नहीं मारा, उसने आपको छोड़ काहे दिया। अब उन सबको ये शक हो रहा है कि शायद इस पूरे डकैती में आप मिली हुई थी, इसमें आपका हाथ है। और अब आप पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी। What nonsense! वो सोच भी कैसे सकते हैं इस तरह की बातें? मतलब हसीन ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती है, वो ये सब कर कैसे सकती है? नैन देखो। नहीं हसीन, तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कानून की सेवा करने में और उसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी ऐसे घटिया इल्जाम लगाकर। दिस इज टू मच। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमारे रहते दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी इंसान, कोई भी वजह मैडम सर के स्वाभिमान को छू भी नहीं सकता है। हम सच सबके सामने लाएंगे और कोई भी अगर आपकी तरफ उंगली उठाएगा ना
तो उसका पूरा हाथ जड़ से निकाल देंगे हम। हम दुनिया को बताएंगे कि आप सच्ची हैं, आपके स्वाभिमान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचेगा। वाह दरोगा सिंह जी, आपसे यही उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर असली सच दुनिया के सामने लाएंगे। जय हिंद मैडम सर। आप थाने क्यों आई? आपको तो फिलहाल आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है हम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वेलकम बैक। थैंक यू। एनी अपडेट? जी जी आइए, हमारे साथ आइए। जी मैडम सर, हमने थोड़ा बहुत माथापच्ची की है इस मामले में। देखते हैं कि हमने जो भी पता किया है वो आपके कितने काम का है। मैडम सर, ये वो जगह है जहाँ पे आप पे हमला हुआ था। ये एकमात्र निकासी मार्ग है, एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पे ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो फिर इस कैमरा पर तो वैन कैप्चर हुई होगी। वैन कैप्चर नहीं हुआ है। मतलब मैडम सर, वैन यहाँ पे आई नहीं है, वो जंगलों में ही खपा दी गई है। एक काम करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले हम जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। हमें कहते हुए तो बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, आदेश तो आदेश होता है, पालन तो करना पड़ेगा। मिस मलिक, जब तक ये केस चल रहा है आपको अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जाता है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर पुष्पा जी बात कर रहे हैं ना? अब आप अगले आदेश तक ड्यूटी नहीं कर सकते। अपना बैच और सर्विस गन हमारे हवाले कर दीजिए। अम्मी हम आ गए। आ गया मेरा बच्चा। कैसा रहा आज का दिन तेरा ड्यूटी का? वही जैसा रोज होता है अम्मी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और फिर उनके सोल्यूशन। झूठ बोलना बस का नहीं तो क्यों बोलती है? वो भी किससे? हमसे? अपनी अम्मी से? कई बार बता चुके हैं, फिर से याद दिलाए देते हैं। एक माँ अपनी औलाद की खामोशी भी सुन लेती है। अरे माँ से कोई क्या छिपाएगा? और यहाँ पर तो करिश्मा ने डायरेक्ट फोन करके हमें सब कुछ बता दिया था। डीएसपी साहब ने सस्पेंड किया है ना कुछ दिनों के लिए, तो उसमें इतना मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? अरे सांच को आज नहीं है, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा और फिर से वापस बहाली। मम्मी बात सस्पेंशन या बहाली की नहीं है, बात यह है कि हमें अपनी ड्यूटी में किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, प्रोटोकॉल को या इंसानियत को? अम्मी देखिए, सब ये बात जानते हैं कि उस औरत ने एक्सीडेंट का नाटक किया था, लेकिन अगर वो नाटक नहीं होता तो अगर सच में एक औरत और एक उसका बच्चा गाड़ी में अटके होते और हम उसकी मदद करने की बजाय प्रोटोकॉल फॉलो करते और वहां से चले जाते, तो उस चक्कर में अगर उस औरत की और उस बच्चे की जान चली जाती तो तब क्या प्रोटोकॉल, क्या ड्यूटी और कौन सी इंसानियत? हमने क्या कर दिया? हमसे क्या गलती हो गई? तूने कोई गलती नहीं की है मेरी बच्ची,
तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है। दुनिया की कोई भी चीज इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। तू गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन अम्मी, जैसे हालात में हम उलझ गए हैं, उससे निकलना आसान नहीं लग रहा।